हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस पी आर पार्ट टाइम। फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन प्रकाश। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक भाई कमेंट करके पूछे थे, भाई बिना बैटरी के हेडलाइट को कैसे चेंज करें। दोस्त, उस भाई के कमेंट के हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो समय बैटरी का साइड पैनल खोलेंगे, तो चलिए खोल लेते इसको ड्राइवर की मदद से। दोस्त, इस वीडियो में बताया हूँ बिना बैटरी के हेडलाइट को कैसे तेज करें। दोस्त, बिल्कुल आसान ट्रिक है। तो फिलहाल इसको हम जो साइड पैनल होता है बैटरी का खोलेंगे। खोलने के बाद दोस्त जैसे देख पा रहे हमारा बैटरी है दोस्त, तो चलिए दोस्त बैटरी को निकाल के हम रख देता हूँ साइड में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है हेडलाइट को तेज। इसको हम खोलेंगे। जैसे देख पा रहे दोस्त, मैंने जो बैटरी के लगे हुए थे दो स्क्रू दोस्त मैंने खोल लिया हूँ। अब दोस्त हमारा जो देख रहे बैटरी सेफ्टी के लिए जो पट्टी लगा होता लोहे का दोस्त, इसमें एक 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, इसको हम खोलेंगे 10 नंबर की टी की मदद से। तो चलिए दोस्त इसको खोले थे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में इसमें करना क्या है। हम इसको बैटरी को निकालेंगे, तो चलिए दोस्त निकाल लेते हैं फटाक से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देख पा रहे दोस्त, मैंने बैटरी निकाल लिया हूँ। बैटरी निकाल के दोस्त उसको हम साइड में रख लेंगे। तो हमें दो चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वो आप ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे मिल जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, 30 रुपये में मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये देख पा रहे दोस्त हमारा, जैसे देख पा रहे दोस्त हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा है 25 वोल्टेज 4700 UF है, 4700 UF है, 25 वोल्टेज है दोस्त। इसमें हमने पर फ्यूज लगा रखा हूँ ताकि सेफ्ट रहे। ये दूसरा नंबर है, इसको लगा लेंगे। अब दोस्त हमें एक स्विच की जरूरत पड़ी, जैसे देख पा रहे ऑन ऑफ है दोस्त, इसका मिलेगा नहीं कि 5-10 रुपये मिल जाएगा, ये भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्त इसको ले लेना है। अब दोस्त इसमें हम मैंने कैसे किया हूँ आपको बता दूँ। जैसे देख पा रहे दोस्त, ये टर्मिनल जैसे देख पा रहे दोस्त हमारा नेगेटिव, यानी कि हमारा जो ब्लैक है इसमें ब्लैक तार लगाना है। अब दोस्त हमारा ये जहाँ पर पॉइंट होता है दोस्त, ये हमारा बड़ा होता है, ये हमारा यानी कि पॉजिटिव यानी कि रेड कलर, तो रेड कलर दोस्त हमें इसमें लगाना है। और ये वाला रेड कलर दोस्त हमें बैटरी के पॉजिटिव में लगाना है, तो ये वाला जो हमारा दोस्त बैटरी के नेगेटिव लगाना है। तो दोस्त इसको हम कैसे लगाएंगे आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब दोस्त हमें क्या करना है, जैसे देख पा रहे हैं हमारा प्लस यानी कि रेड कलर है दोस्त, इसमें हम रेड कलर में लगा लेंगे। अब दोस्त इसमें लगाएंगे, जैसे कि मैंने जो खोल रखा था बैटरी के जो दो नेट दोस्त, उसी को लगा लेंगे, लगा के इसको टाइट करके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्त आप भी लगा लीजिएगा। तो चलिए दोस्त लगा लेते, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्त दोनों साइड लगा लेंगे हम। जैसे देख पा रहे दोस्त हमारा पूरी आसान तरीके से टाइट हो चुका है दोस्त, हम ये हमारा रेड है। अब दोस्त ये हमारा जो ब्लैक है, हम ब्लैक के टर्मिनल में लगा देंगे जो हमारी बैटरी के नेगेटिव है। तो दोस्त इसमें लगा लेंगे, तो चलिए लगा लेते हैं। दोस्त मैं फ्यूज इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि बैटरी पे कोई इफेक्ट ना पड़े और सेफ्ट रहेगा, कि अब कई बार होता है हमारा जो हमारे कैपेसिटर है दोस्त, हमारा जो होता है ब्लास्ट हो जाता है ये दोस्त हमारे जो, इसलिए मैंने फ्यूज लगा रखा हूँ, हमारा ब्लास्ट होने का कोई चांस ही नहीं है दोस्त। अब दोस्त हम इसको टाइट कर लेंगे, टाइट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्त। ये दोस्त हमारा प्रॉपरली टाइट हो चुका है दोस्त, इसको आसानी से टाइट कर लीजिएगा। अब दोस्त टाइट करके आपको टेप लगा लेना ताकि आपको दिक्कत ना पड़े, शॉर्ट ना हो। अब दोस्त अगर जो आपके पास फ्यूज नहीं है तो दोस्त कैपेसिटर भी लगा सकते हो, एक्चुअली में कोई दिक्कत होगा नहीं फिलहाल, क्योंकि हमारा जो 4700 UF है और 25 वोल्टेज है दोस्त, जैसे कि ज़्यादा अगर जो वोल्टेज लेते हो फिर उसे हो सकता है दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं दोस्त फ्यूज लगाता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो चलिए दोस्त मैं आगे दिखा देता हूँ इसको, स्विच को कहाँ पे लगाना है, तो चलिए दिखा देता हूँ। तो जैसे देख पा रहे दोस्त इसको क्या करना है, मैं स्विच को खोल लेना है। तो चलिए दोस्त खोल लेते हैं, इसमें दो स्क्रू लगे हुए थे नीचे से, तो दोस्त मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलूँगा। जैसे देख पा रहे दोस्त मेरे प्रॉपरली दोनों खुल चुके हैं। अब दोस्त एक्चुअली में इसमें करना क्या है मैं आपको दिखा दूँ, इसको हम निकाल लेंगे। दोस्त इसमें जो पास की स्विच होती है, पास की स्विच होती है दोस्त मैंने इसमें बताऊंगा आपको बिना बैटरी के हेडलाइट को कैसे तेज करें। तो दोस्त उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे देख पा रहे इसको हम खोलेंगे, अब इसको जो पास की स्विच होती है तो इसको निकालना होगा। तो चलिए दोस्त इसको निकाल लेते हैं।
जैसे देख पा रहे दोस्त हमारा निकल चुका। अब दोस्त एक्चुअली में इसमें करना क्या है, इसको हम ऐसे निकालेंगे, बड़े आसानी से निकल जाएगा दोस्त। जैसे देख पा रहे दोस्त हमारा स्विच निकल चुका है, जो पास की स्विच होती है। अब दोस्त इसमें क्या करना है, यहाँ पे कट लगाना है दोनों तार में। दोस्त मैंने कट लगा लिया हूँ। दोस्त आपके पास अगर जो वायर कटर नहीं है तो दोस्त आप जो शेविंग बिले उठाता है उससे भी कट मार सकते हो। काटना नहीं है दोस्त, ये ध्यान में रखना, काटना नहीं है, कट करना है। जैसे देख पा रहे दोस्त मैंने कट कर लिया हूँ दो जगह पे। यहाँ पे दोस्त ऐसे कट कर लेना है। दोस्त मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्त में ये स्विच जैसे देख पा रहे दोस्त, इसको स्विच को लगाएंगे तो दोस्त इसमें क्या करना है दोस्त, इसको हम लगा लेंगे। तो चलिए एक करके एक इसमें जॉइन कर लेंगे दोस्त। बड़ी आसान तरीका आप भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका सीखा दोस्त, घर भी कर सकते हो या किसी मैकेनिक भाई से लगवा सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका से। जैसे देख पा रहे दोस्त मैंने दोनों अटैच कर लिया हूँ दोनों तार में, और मैंने स्विच को लगा लिया हूँ। अब दोस्त इसमें क्या करना है, टेप लगा लेंगे दोस्त, शिफ्ट रहेगा। तो चलिए दोस्त टेप लगा लेते हैं इसमें। टेप लगाने से होता है दोस्त, जैसे कि कई बार हमारे शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा जो फ्यूज होता है बार बार उड़ता रहता है, जो चीज़ें भी दिक्कत हुआ करती है। क्योंकि दोस्त आपको अगर जो तार कटी पड़ी है कहीं पे तो टेप जरूर लगाइए दोस्त, उससे भी दिक्कत होती है, बैटरी पे इफेक्ट पड़ती है, आपकी जो फ्यूज है बार बार उड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे देख पा रहे दोस्त मैंने टेप प्रॉपरली लगा लिया हूँ। अब दोस्त इसमें क्या करना है, ज़्यादा अभी इसमें कुछ करना नहीं है। अब आपको क्या करना है दोस्त, इसको हम लगा लेंगे। तो चलिए दोस्त इसको लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देख पा रहे दोस्त मैंने स्विच को लगा लिया हूँ, जो पास की स्विच होती है मैंने फिट कर लिया हूँ। अब दोस्त इसमें क्या करना है, इसको हम जो मैंने वो इसमें लगा हुआ था तार को सेफ्टी रखने के लिए दोस्त, इसको हम लगा लेंगे। जैसे देख पा रहे दोस्त हमारा प्रॉपरली टाट हो गया। अब दोस्त इसको हम लगा के इसमें दिखाता हूँ, तब इसको हम फिट कर लेंगे दोस्त, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो दोस्त इसमें जो मैंने दो स्क्रू खोल रखा था तो उसको हम लगा लेंगे। तो चलिए दोस्त एक एक करके लगा लेता हूँ। दोस्त मैंने पूरी प्रॉपरली टाइट कर लिया दोस्त, मेरा टाइट हो चुका। अब दोस्त मैं आपको जला के दिखाऊंगा यानी कि हेडलाइट को तेज करके दिखाऊंगा बिना बैटरी के। तो जैसे देख पा रहे जो स्विच है दोस्त, आपको जहाँ पे अच्छा लगे दबाने में दोस्त उसको वहाँ पे सेट कर लीजिए दोस्त। मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा। तो दोस्त यहाँ पे सेट करके आप दोस्त बैटरी मैंने निकाल रखा हूँ। जैसे देख पा रहे दोस्त मैंने बैटरी को निकाली हूँ, जैसे देख पा रहे। अब दोस्त बिना बैटरी के हेडलाइट को तेज करके दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्त मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्त जैसे देख पा रहे हमारा एक पॉइंट है, आपको देख दूँ जिसे आपको दिखा दूँ, मेरा एक पॉइंट चल रहा है। जैसे देख पा रहे ये दोस्त हमारा एक पॉइंट चल रहा है, मैं आपको स्विच दबा के दिखाता हूँ कितना तेज हमारा हो रहा है। ये देखिए जैसे देख पा रहे दोस्त, हमारा स्विच दबाने पे दोस्त हमारा डबल रोशनी हो जा रहा है दोस्त। ठीक इस तरीके से दोस्त आप भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है, आप घर पर भी कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलो, क्योंकि दोस्त मैं ऐसे बाइक के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्त मैं मिलूँ आपसे अगले, तब तक धन्यवाद।